सिटी बुचर बॉय एक ऐसा एप्लीकेशन जो अब तक का कुर्बानी सेक्शन में कभी ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली, लेकिन पहली बार मुंबई में सिटी बुचर बॉय की शुरुआत हुई है। और ये एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे कि मुंबई के अंदर जो लाइफस्टाइल बड़ी बिजी होती है, लोग बिजी होते हैं, छोटे छोटे घर होने की वजह से, सोसाइटीज़ होने की वजह से जानवरों को पाला नहीं जा सकता और बाड़े में कहीं ना कहीं जानवर को बांधना होता है, लेकिन जिसके बाद में बहुत सारी तकलीफ़ें लोगों को सामने आती है कुर्बानी के लिए, सारी चीज़ों के लिए। हम फ़िलहाल देवनार में खड़े हैं और सिटी बुचर बॉय ऐप को हम लोगों ने स्पॉन्सर्ड, जो वीडियो स्पॉन्सर थी वो सिटी बुचर बॉय ऐप के थ्रू थी, उसी के हमारे साथ डायरेक्टर हमारे साथ में अवेस कुरैशी हमारे साथ में मौजूद है कि किस तरीके का ये एप्लीकेशन है, क्या लोगों को फ़ायदे और क्या सुविधाएँ हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। अवेस जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने जो एप्लीकेशन का लॉन्च किया है, ये जो एप्लीकेशन है ये कैसे रन करता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या फ़ायदे हैं, लोग क्यों लें? इसके फ़ायदे ये हैं कि इसके अंदर तो हम लोग काफ़ी सारी फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें बकरा है और बफेलो है। तो अभी हम बफेलो के यहाँ खड़े हैं तो बफेलो की बात करते हैं। जैसे कि आप वैरायटी देख सकते हो कि किस तरीके के एनिमल हम यूटिलाइज़ करते हैं। ये हिस्से में भी इसी तरीके के एनिमल यूटिलाइज़ होते हैं, जिनके पूरे अरकान होते हैं सारे, जिस तरीके से इनकी कुर्बानी के लिए सेहतमंद होना ज़रूरी है और इनके पैर दुरुस्त होना चाहिए, इनकी आंखें दुरुस्त होना चाहिए। जानवर कोई ऐप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारा जानवर जो है कोई ऐप ज़्यादा नहीं है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से एनिमल है ये। तो इसी डेफिनेशन के ऊपर हमने कुर्बानी का स्टार्ट किया। इसमें दो तरीके के हिस्से अवेलेबल है। अभी आप जानवर की लचक और खूबी देख सकते हैं, किस तरीके का वैरायटी में माल है। तो इसके अंदर 4,500 रुपये का एक हिस्सा है, जिसमें 10 किलो गोश्त हम देंगे, और 5,786 का एक हिस्सा है, जिसमें हम 15 किलो गोश्त देंगे और एनिमल सेहतमंद होगा जो कुर्बानी के लायक एनिमल हो, ताकि ऐसा नहीं कि आपने किसी को हिस्सा दे दिया और उसके बाद में आप वो एनिमल यूटिलाइज नहीं होता है या वो एनिमल कुर्बानी के लायक नहीं होता है, लोग उसकी भी कुर्बानी कर देते हैं। वो बहुत से लोग हैं, पूरी अक्की बॉम्बे के अंदर ये सिस्टम चलता है, लेकिन आप हमारे यहाँ पे ऑनलाइन हिस्सा बुक कर लीजिए, ऐप के अंदर वो सुविधा अवेलेबल है, दोनों फीचर्स हैं वहाँ पे। कुर्बानी का फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर लो, जो भी उसमें कुर्बानी के अरकान है, नेम वगैरह देना है, उस तरीके से दे के अब आपकी कुर्बानी हम आपको आपके डोर स्टेप पर आपके घर पर पहुँचा के देंगे। तो क्या कुर्बानी के टाइम पे भी जो बंदा है जिसने बुक किया है उसको यहाँ खड़े रहना पड़ेगा, उससे आना पड़ेगा? अगर उनको ज़रूरत है, वो अपना जानवर देखना चाहते हैं कि मेरा एनिमल कौन सा है, मैंने क्या लिया हूँ, वो दुरुस्त है या ना दुरुस्त है, तो आके वो देख सकते हैं उनका जानवर। एक हिस्से वाली कुर्बानी की बात होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर नहीं ले जाना चाह रहा है, उसको यहीं बाड़े में बांधना है, तो वो ऑनलाइन कैसे पूरा अक्खा जानवर भी बुक कर सकता है? ऑनलाइन जो जानवर, अभी जैसा ये बफेलो है, तो ये बफेलो तो देवनार स्लॉटर हाउस में ही कटती है, इसको बाहर ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसकी कुर्बानी यहीं होगी। अगर वो अक्खा जानवर भी लेता है तो हम उसको ईद तक रख लेंगे हमारे पास और काट के उसके घर पर हम पहुँचा देंगे। तो ये जो काटने की जो प्रोसेस है ये कैसे रहेगी, कैसे इसको करेंगे? ये डे स्लॉट है, जैसा बीएमसी के अंदर में डे स्लॉट बुक होता है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो जो उनका स्लॉट बुक होगा उस बुकिंग पे हम करके पहुंचा देंगे वो। अच्छा, इसमें लोगों का एक सवाल है मन में कि कभी ऑनलाइन कुर्बानी नहीं हुई, ऑनलाइन कुर्बानी, लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन कैमरे पे दिखा के तो कुर्बानी नहीं होगी, ये लोगों को कैसे दुरुस्त करेंगे? ऑनलाइन कुर्बानी जानवर कटता हुआ हम आपको कैमरा पे नहीं दिखाएंगे, लाइव एनिमल जो आपने लिया है, जो लाइव जिंदा एनिमल आपने ख़रीदा है, जैसे कि आप ये एनिमल देख रहे हो, तो आपका जो एनिमल होगा वो हम इसको दिखा देंगे। आपको उसको चॉइसेबल लेना है, अगर आ सकते हो, पॉसिबल है तो मोस्ट वेलकम, देख के ले लो आप। अगर आप नहीं आ सकते हो तो बाय व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, मेरा नंबर सब जगह अवेलेबल है और ऐप में आपको मिल जाएगा, जैसा होगा वो आप देख सकते हो उसको। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेने वाले हैं क्या आप इसको जब आप ज़बा करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर है? कुछ कॉस्टिंग एक्स्ट्रा नहीं है, जो प्राइस ऐप के ऊपर अवेलेबल है उस प्राइस में आपको होम डिलीवरी मिलेगी। उसमें बूचर चार्ज इंक्लूड है, डिलीवरी चार्ज इंक्लूड है, सब चीज़ें इंक्लूड है। हमने बहुत मुनासिब दाम रखे हैं दूसरे लोगों के मुताबिक, और गोश्त भी हम काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जानवर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गोश्त भी अच्छा होगा और कुर्बानी आपकी पूरे अरकानों के साथ होगी। अगर जानवर में एक भी ऐप होता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होती है, वो किसी भी तरीके का ऐप हो उसके अंदर किसी भी तरीके की मिस गाइडलाइन हो तो उसकी आप कुर्बानी कर ही नहीं सकते हो, वो जायज़ ही नहीं है।
अभी यहाँ आप देखो हिस्से की कुर्बानी के नाम के ऊपर लोग ऐसे जानवर बांध देते हैं और उसके अंदर वो छोटे बड़े उनके दांत है या पता नहीं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कुर्बानी कर रहे हो, भले हिस्से वाली कर रहे हो या अपनी कुर्बानी लेके कर रहे हो या कहीं से भी जानवर खरीद रहे हो, हमसे नहीं खरीद रहे हो, लेकिन आप वो जानवर की दांत, आँख, नाक, कान, चाल चलन सब चेक करो, उसके बाद आप जानवर खरीदो। क्योंकि एक मुसलमान जो है वो साल भर से इंतज़ार करता है कि बकरीद आएगी, मैं इस क्वालिटी का जानवर लूँगा, मैं ऐसा बकरा लाऊँगा, मैं ऐसा पाड़ा लूँगा, लेकिन वो कुछ लोगों के वजह से वो नहीं ले पाता है। तो जिस किसी से भी आप जानवर खरीदें, उसके दांत देख लें, उसके कान देख लें, उसके पैर देख लें, उसके सींग देख लें, उसकी सेहत देख लें, फिर उसको आप बाय करें कुर्बानी के लिए। मतलब जिसका जानवर है वो कभी भी यहाँ पर आकर के खुद भी विजिट करके भी देख सकता है, खुद भी विजिट करके भी देख सकता है। अगर वो नहीं आना चाहे तो? नहीं आना चाहे तो उसको वीडियो कॉलिंग पे हम दिखा देंगे या व्हाट्सएप पे देखना है तो उस पे दिखा देंगे। अच्छा, ये अलग सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा मुंबई के अंदर, ये आपके दिमाग में कैसा है कि ऐसे भी चीज़ें हो सकती है? अभी लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की गाइडलाइन थी कि आप लोग ऑनलाइन कुर्बानी करो, लेकिन किसी के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अब जो अदारों की कुर्बानी होती है, इज्तिमाई कुर्बानी जिसको कहा जाता है, हिस्से वाली जो कुर्बानी होती है, तो उनके पास कुछ सिस्टम अरेंज नहीं है। अभी हम देखते हैं कहीं बैनर लगे हुए, भाई 1500 रुपये दो हम आपकी कुर्बानी कर देंगे, कहीं बैनर लगे हुए 4500 रुपये दो हम आपकी कुर्बानी कर देंगे। अब वो गोश्त बाल्टी में भर के दे दिया जाता है, आदमी अपने घर ले जाता है, वो पता नहीं कब कटा कब आया। 1500 वाली में तो गोश्त नहीं मिलता है, जिसमें गोश्त मिलता है उसमें भी रेंज नहीं है कि क्या क्वालिटी का एनिमल है, जानवर दुरुस्त है नहीं है, कोई देखने नहीं जाता है। आपने चिट्ठी पे नाम लिखा दिया, आपकी कुर्बानी हो गई। और 1500 रुपये का तो इन द सेंस ऐसा है कि इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर 1500 रुपये में जानवर कहीं नहीं मिलता है। उसमें तो हिस्से होते हैं ना, 7 लोगों के हिस्से करते हैं, कैसे होंगे? 10,500 रुपये होते हैं 7 आदमी में। पूरे देवनार में मेरे को 10,700 का 500 का जानवर दिखा दो। ये जो जानवर कितने का है? ये जानवर की कीमत तकरीबन 40,000 रुपये है। 10,500 में वो लोग कैसे कुर्बानी करते हैं, लोगों को क्या मिसगाइड करते? अब वो पता नहीं ज़मीन पर छुरी घुमा देते क्या, समझ में आई बात? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में तो अवेलेबल है ही नहीं। अभी मैं एक कुरेशी हूँ, कसाई हूँ मैं, तो पूरे इंडिया के अंदर मैंने तो इतना सस्ता एनिमल कहीं नहीं देखा। क्योंकि जानवर की जो वैल्यू होती है, जब वो जानवर उतने में बाय करेगा जभी तो वो 1500 में काटेगा। अब वो 1500 लेके ज़मीन पे छुरी चला रहे कि पानी में चला रहे, वल्लाह को मालूम, उनका हाल उनको जाने, उनकी कब्र में उनको जाना है। तो ये अपनी फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे अवेलेबल? ये बम्बई नवी मुंबई थाना में अवेलेबल है, बुकिंग ऐप के ऊपर स्टार्ट है, आप वहाँ बुक कर सकते हो जिस तरीके से आपको बुक करना है, जैसे कि एनिमल लाइक होता है, डी लाइक होता है, उस तरीके से आप कर लीजिए उसको। तो ये जो एप्लीकेशन है आपका, इसमें और क्या क्या है? मतलब ये तो कुर्बानी वाला सेक्शन हो गया, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें लोग बुक कर सकते हैं, कैसे? अभी फ़िलहाल उसमें दूसरी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वो सर्विसेज आफ्टर कुर्बानी अवेलेबल होगी। तो आफ्टर कुर्बानी इंशाल्लाह लोग उसके मटन, चिकन, सी फूड का जायज़ा ले सकते हैं कि क्या है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। तो ये फ्रेश रहेगा या कैसे स्टॉक रहेगा, जैसे फॉर्जन वगैरह करता है? फ्रेश फ्रेश फ्रेश, सारा कुछ फ्रेश। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस बार मुसलमान जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग? सबको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देवनार के अंदर इंतज़ाम बहुत अच्छा है, बीएमसी ने, मुंबई महानगर पालिका ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, बारिश की सुविधा को लेके कहिए या ट्रांसपोर्टेशन को लेके कहिए। फिर कल हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया हमारे फेवर में, काफ़ी सारी चीज़ें की उन्होंने कि आप भी, आपकी भी एक ये बनती है कि आप जब रोड पे गोश्त ले जाओगे कुर्बानी के तो उसको ढाक के लेके जाओ, अपना काम है, अपना त्यौहार है, सबके साथ मिलजुल के बनाओ, बस यही कहना चाहूँगा।